कि इस देश की मोदी सरकार इस जनता का, देश की जनता का शोषण कर रही है, और ये जो बीजेपी आरएसएस के मुट्ठी भर लोग हैं, जब तक इनको उखाड़ के नहीं फेंक देगा अभी आंदोलन, तब तक ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। उनको समझ में आ जाना चाहिए, जनता समझ चुकी है कि सरकार को अगर मोटी सी बात समझ में नहीं आ रही कि जो कानून तुम लाए हो हमें नहीं चाहिए, इन्हें वापस ले लो, फिर भी आप नहीं माने, और हठ धर्मिता इतनी है कि बात करने को तैयार नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको ही उखाड़ के फेंक देंगे। जब तक होगा ये कानून वापस, जब सरकार ही नहीं रहेगी, तो मैं तो बार बार कहता रहा हूँ, मोदी जी एंड कंपनी जितनी भी है, जैसे मोदी जी सुबह उठते हैं और शाम को जब तक सोते हैं झूठ के अलावा दूसरा कुछ बोलते नहीं है, देश को गुमराह करने के अलावा दूसरा उनके पास काम नहीं है, तो वही उनकी सारी मंडली ही काम करती है, वही उनका आईटी सेल काम करता है। नमस्कार, बहुजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भानु प्रताप सिंह जी, पेशे से एडवोकेट हैं, और गाजीपुर बॉर्डर पे आज वो जो भारत बंद का आह्वान किया गया था किसानों की ओर से, उसका समर्थन करने आए हैं। सर, इससे पहले भी आप लगातार इस आंदोलन को सपोर्ट करते रहे हैं, यहाँ आते रहे हैं, लगातार किसानों की आवाज़ बुलंद करते रहे हैं, आज इस चक्का जाम का, इस भारत बंद का जो आह्वान मुजफ्फरपुर की धरती से किया गया था, इसका कितना असर आपको लगता है कि आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा? देखिए, आप जो इस समय न्यूज़ देख रहे हैं और हमारी न्यूज़ जो आप आ रही हैं, वो सोशल मीडिया के माध्यम से आ रही हैं, देश के भिन्न भिन्न कोनों से जो आ रहे हैं, भिन्न भिन्न प्रदेशों से आ रही हैं, अगर आप नीचे से देखें, चाहे तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, केरल हो, चाहे आपका आंध्रा हो, तेलंगाना हो, साथ में मध्य प्रदेश हो, इधर गुजरात हो, राजस्थान हो, आप आ जाइए हरियाणा हो, पंजाब हो, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, सब जगह से जो न्यूज़ आ रही हैं, वो न्यूज़ इस बात को कन्फर्म कर रही हैं कि ये जो आज का भारत बंद है, अब से पहले के सभी बंदों से कहीं ज़्यादा बड़ा है, कहीं ज़्यादा ताकतवर है और कहीं ज़्यादा सफल है और व्यापक है। तो आज का जो बंद है, हमारी सफलता की कहानी बिल्कुल मैं कह सकता हूं, हम आज इस आंदोलन में, इस भारत बंद में पूरी तरह से सफल हैं, और आप यहां खुद देख ही रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर पे, इस समय आपके सामने सारी चीज जी। सर, हमने देखा कि इस भारत बंद का जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियां, चाहे बसपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो या फिर लेफ्ट की पार्टियां हो, विचारधारा से संबंध रखने वाली, सभी इसका समर्थन कर रही हैं, लेकिन टीएमसी की जो प्रमुख है, सुप्रीमो है ममता बनर्जी, उन्होंने कहा कि वो किसानों का हमेशा समर्थन करती हैं पर उस भारत बंद का समर्थन नहीं करती, ये समझ नहीं आया। उनकी अपनी विचारधारा है, उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा, उनको ऐसा लगता है तो वैसा सही, लेकिन बाकी और जो पार्टियाँ समर्थन कर रही हैं, अच्छी बात है, हम उनका धन्यवाद देते हैं कि वो समर्थन कर रही हैं, लेकिन वो समर्थन भी क्यों करती हैं, ये बात भी आप सब लोग समझ रहे हैं, जो भी हमें समर्थन कर रहा है उसका धन्यवाद दिल से, जो नहीं कर रहा उससे हमें कोई शिकायत नहीं है, लड़ाई हमारी है, हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे। इस चक्का जाम से ऐसा सरकार को क्या दिख जाएगा जो पिछले 10 महीने, 10 महीने भी नहीं, साल भर पूरा हो चुका है 17 तारीख को, तो इस साल भर से जो सरकार को नहीं दिखा, आज के इस चक्का जाम से क्या दिख जाएगा? देखिए, धीरे धीरे अगर आप देखें तो जब 26 नवंबर से दिल्ली के बॉर्डर्स पे ही शुरू हुआ आंदोलन 2020 से, और आज जहां पहुंचा है, इस आंदोलन की ताकत बड़ी है, और इस आंदोलन की ताकत का एक सबसे बड़ा नजारा जो आपने देखा होगा 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर की पंचायत में, जो देखा था महापंचायत में, जो जन सैलाब आपने देखा, तकरीबन 15 से 20 लाख लोग वहां पर उसमें थे महापंचायत में, उससे ताकत का अंदाजा लगा, और उसके बाद में एक दिशा मिली और आज के इस आंदोलन की घोषणा की, तो किसानों को, जो काम कर रहे हैं किसान, सरकार को ये मैसेज देना है और सरकार को मैसेज जा रहा है कि चाहे कितना भी समय लग जाए, हम ना तो थकने वाले हैं, ना झुकने वाले हैं और ना ही रुकने वाले हैं, और दिन प्रतिदिन हमारी ताकत बढ़ती जा रही है और लगातार ये आंदोलन फैलता जा रहा है, यही मैसेज हम दे रहे हैं। सर, आज एक ऐतिहासिक दिन भी है, आज भगत सिंह की जयंती है, क्रांति की बात करें और भगत सिंह की बात ना हो ऐसा संभव नहीं है, सुबह से पोस्ट पे पोस्ट डाले जा रहे हैं, सत्ता में बैठे सभी लोग भगत सिंह को याद कर रहे हैं, उनकी क्रांतिकारी सोच को याद कर रहे हैं, और उन्हीं के आदर्शों पे जो ये आंदोलन चल रहा है उसकी कहीं बात नहीं होती, इससे आपको समझ जाना चाहिए कि वो सारे के सारे डुप्लीकेट लोग हैं, झूठे लोग। मैं तो बार बार कहता रहा हूँ, मोदी जी एंड कंपनी जितनी भी है, जैसे मोदी जी सुबह उठते हैं और शाम को जब तक सोते हैं झूठ के अलावा दूसरा कुछ बोलते नहीं है, देश को गुमराह करने के अलावा दूसरा उनके पास काम नहीं है, तो वही उनकी सारी मंडली ये काम करती है, वही उनका आईटी सेल काम करता है। अगर वो भगत सिंह जी की जन्मशती मना या जन्मदिवस मना रहे हैं, तो भगत सिंह जी ने कहा था, ये याद होना चाहिए, नहीं है तो मैं उन्हें याद दिलाता हूँ कि भारत में संघर्ष तब तक चलेगा जब तक मुट्ठी भर शोषक
इस आम जनता के श्रम का शोषण अपने स्वार्थ के लिए करते रहेंगे। और ये साफ है कि इस देश की मोदी सरकार इस जनता का, देश की जनता का शोषण कर रही है। और ये जो बीजेपी आरएसएस के मुट्ठी भर लोग हैं, जब तक इनको उखाड़ के नहीं फेंक देगा अभी आंदोलन, तब तक ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। उनको समझ में आ जाना चाहिए, जनता समझ चुकी है। सर, मीडिया में बैठे, नेशनल मीडिया जिसे हम कहते हैं, वहाँ बैठे कुछ लोग कहते हैं कि मोदी जी थकते नहीं हैं, 13 घंटे का सफर करके आए, उसके बाद सेंट्रल विस्टा के प्रोजेक्ट को देखने पहुंच गए कि कितना वहां विकास हुआ है, कितना काम तेजी से चल रहा है, और यहां आने का उनके पास समय नहीं है। हो सकता है नहीं थकते हो, पर मैंने तो ऐसा हार्ड मास का कोई व्यक्ति देखा ना जो थकता ना हो। थकते तो वो भी होंगे, हाँ एक बात जरूर है, पर वो जो काम करते हैं, हाँ हो सकता है जो बेइज्जती अमेरिका में हुई है उससे नींद ना आई हो, उससे जो उन्हें जो थकान ना हुई उतर गई हो उनकी थकान। वैसे वो जितना भी काम करते हैं देश को तबाह करने वाला काम करते हैं, और उन्हें इतनी घबराहट हो रही है कि कहीं ये किसान आंदोलन इतना तीव्र ना हो जाए कि मुझे बिल्कुल विस्तार प्रोजेक्ट के पूरा होने से पहले ही उखाड़ के फेंक दे, तो मेरा जो सपना है कि धूल में ना मिल जा। इसलिए आते ही वो लोगों से नहीं मिले, उन ईंट पत्थरों को देख के गए हैं कि भाई कहीं कहीं लगे हैं कि ना लगे हैं। तो ये हालत उनकी है, मोदी जी की, तो उनके विषय में क्या बात करनी है। सर, कांग्रेस के कुछ नेता कह रहे हैं कि ये जो आंदोलन है ये बीजेपी में आपसी फूट का कारण बनता जा रहा है, तो इसे कैसे देखते हैं आप, और आने वाले चुनाव में क्या होगा? हमें इससे कोई लेना देना नहीं, ये किसान आंदोलन को इससे कोई लेना देना नहीं है। ये किस में फूट का कारण बन रहा है या नहीं बन रहा है, किस में फूट हो रही है या नहीं हो रही, हमारा मकसद सीधा है। ये तीनों कृषि कानून देश को तबाह करने के हैं, ये कानून जब तक वापस नहीं होंगे, और इन कानूनों के वापस होने के बाद MSP को जब तक कानून नहीं बनाया जाएगा तब तक ये किसान घर वापसी नहीं करेंगे। इसका परिणाम क्या होगा ये वो लोग राजनीति वाले जिनको जो करना है वो उसका आकलन कर रहे हैं, हमें इससे कोई लेना देना। सर, अब ये कहना वाजिब नहीं होगा ना कि हमें फर्क नहीं पड़ता बीजेपी में क्या हो रहा है, क्योंकि बीजेपी को गिराने के लिए तो किसान नेता लगे हुए हैं लगातार, वो यूपी का दौरा कर रहे हैं, महापंचायतें कर रहे हैं, उसके पीछे कारण तो यही है कि बीजेपी को, वो हमारा काम है। सरकार को समझ में नहीं आ रही तो सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है कि सरकार को अगर मोटी सी बात समझ में नहीं आ रही कि जो कानून तुम लाए हो हमें नहीं चाहिए, इन्हें वापस ले लो, फिर भी आप नहीं माने, और हठ धर्मिता इतनी है कि बात करने को तैयार नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको ही उखाड़ के फेंक देंगे। जब तक होगा ये कानून वापस, जब सरकार ही नहीं रहेगी, तो हम अपना काम कर रहे हैं। कहाँ फूट पड़ी है कहाँ नहीं पड़ी अलग बात है, और अच्छा है अगर लोग उनकी बीजेपी में भी लोगों को समझ में आ रही है कि वाकई में किसानों की जो दिक्कत है वो जायज है, और मोदी जी जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, हमें उनका विरोध करना चाहिए, तो भाई बहुत अच्छी बात है, करो विरोध उनका, आओ भाई हमारे साथ में, हम तो चाहिए रहे। सर, आप वकील है पेशे से, तो आप अच्छे से ये चीज बता सकते हैं कि ये मामला जो है, जो सड़कें जाम करके एक साल से लगभग बैठे हैं 10 महीने से किसान, अब ये मामला दिल्ली हाईकोर्ट में जा पहुंचा है, तो लोगों ने कहा है कि उन्हें परेशानी हो रही है आने जाने में, उनका रास्ता रुका हुआ है। जो लोग कह रहे हैं परेशानी के लिए वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। आज क्योंकि भारत बंद है तो हम यहाँ बैठे हैं, अन्यथा ये रोड और इसके वो वाली रोड सब क्लियर होती हैं, खूब आना जाना होता है। वहां भी अगर बैरिकेड लगा रखे तो पुलिस ने लगा रखे, सिंगू बॉर्डर पे लगा रखे तो पुलिस ने लगा रखे, टिकरी बॉर्डर पे लगा रखे पुलिस ने लगा रखे, हमने कहीं नहीं रोका हुआ कुछ भी। ये सब कुछ ऐसा ही है जैसा आप देखेंगे कि जो CNRC का आंदोलन था, और इसमें जो महामाया फ्लाईओवर है नोएडा में, वहां से बंद कर दिया ताकि कोई उधर ना जा सके, दिल्ली की तरफ को, वो सरिता विहार की तरफ को, और दिल्ली की सरकार ने बंद कर दिया सरिता विहार से कोई यहां ना सके। वो इतनी बड़ी रोड, करीब 8 लेन की रोड, उस लेन को बिल्कुल ही बंद कर दिया, जबकि जो आंदोलन था शाहीन बाग का आंदोलन वहां से 1 किलोमीटर अंदर था। तो सरकार ने लोगों को परेशान करने के लिए, लोगों को उस आंदोलन के विरोध में खड़ा करने के लिए ये काम किया, और आज भी यही काम कर रही है सरकार। रोड हमने नहीं रोकी, हमने तो लोगों की सुविधा के लिए सारे काम किए, इसलिए एक साइड में खड़े होकर अपना आंदोलन कर रहे हैं। ये आरोप झूठा है, जो लोग कह रहे हैं वो सरकार के ही लोग हैं, वो भक्त हैं, अंधभक्त हैं, जो किसान आंदोलन को बदनाम करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए।